व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर ओन यूट्यूब चैनल ALM स्पोर्ट्स और मैं हूं ओनर ऑफ द ALM स्पोर्ट्स और ये मेरे भाई हैं, हम हैं ओनर ऑफ द ALM स्पोर्ट्स। गाइस मेरे पास बहुत वक्त से डिमांड थी कि परवेज भाई अपनी फैक्ट्री दिखा दो यार, एक बार इंग्लिश फिलो बनते हुए दिखा दो, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैन्युफैक्चरिंग इंग्लिश फिलो। जो मेरा बैट एक मेरी पार्टी का बाहर का था, कॉन्टैक्ट था, तो उन्होंने मुझे बैट देने हैं कुछ, तो उनके बैट अभी तैयार हो रहे हैं, हैंड टू हैंड में तैयार करा के बैट भेजता हूँ, तो मैं अभी फैक्ट्री में ही हूँ अपनी और मैं दिखाता हूँ किस तरह से मेरे बैट बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये ALM स्पोर्ट्स मेरठ की सबसे फेमस शॉप है, ALM स्पोर्ट्स मेरठ में सबसे सस्ती शॉप है और सबसे अच्छी क्वालिटी में हम डीलिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सस्ती दे रहा हूँ तो अच्छी नहीं होगी, सबसे सस्ता और सबसे अच्छी क्वालिटी में हम यहाँ डीलिंग कर रहे हैं और मैं मिनिमम 200 प्लस आइटम्स में होलसेल में डील कर रहा हूँ। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं बहुत कम वक्त में दिखाने वाला हूँ कि बैट किस तरह से मेरे तैयार होते हैं। तो आइए, ये बैट पर फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो ये हमारे कुछ बैट हैं जो तैयार हो रहे हैं। ये टोटल इंग्लिश फिलो बैट होते हैं, 10 से 12 ग्रेन्स के ये बैट हैं। ये एक पार्टी के बैट जाने वाले और ये यहाँ पे इसका फिनिशिंग का काम ये चल रहा है। ये बैट देखिए, डंडड़ा, ये 40 mm का ब्लेड है, 30 mm की टो है इसकी और ये पूरा बैट अभी तैयार होने वाला है, बिल्कुल तैयार आपके सामने। सो गाइज, मैंने आपको जो दिखाया था वो बैट की जो फिनिशिंग का टाइम होता है वो होता है, हमने पहले बागड़ को लिया, उसको काटा, बैट की शेप दी, बैट तैयार है लेकिन कंप्लीट तैयार नहीं है, बैट पे अभी पॉलिश होनी बाकी रह गई है, बैट को अभी फिनिशिंग होनी, रबिंग होना है, रेगमाल लगना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बैट बनाने के लिए कम से कम 7 से 8 स्टेप होते हैं, तो बनाना आसान नहीं होता है, उसमें पूरा दिन चला जाते हैं। तो मेरे ये 20 बैट जो कि अहमदाबाद जाने वाले हैं, अहमदाबाद की एकेडमी में ये बैट जाने वाले हैं। सो गाइज़, अगर आप दुकानदार हो, आप सिंगल हो, आपको स्टेट लेवल का प्लेयर हो, आप कुछ भी हो, अगर आपको ये बैट चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर पे लिखे हुए पे डीलिंग कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉन्टैक्ट वाला नंबर है, आप मुझसे कभी भी अपने इंग्लिश फिलो बैट या कश्मीरी विलो या टेनिस विलो, बहुत सारे बैट में मैं डीलिंग कर रहा हूँ, अपने मैन्युफैक्चरिंग हमारे होते हैं, आप हमारे पास कभी भी आ सकते हो मेरठ में। इसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, मेरठ स्पोर्ट्स मार्केट बिहाइंड दिल्ली दरबार होटल, आप मेरे पास कभी भी यहाँ पे आ सकते हो और अपना बैट या अपनी प्रोफाइल कोई भी बनवा सकते हो। ठीक है गाइस, और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ तैयार होने के बाद, अभी ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, धूल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जब ये बैट तैयार होकर मेरे पास आते हैं तो मैं उसको अभी लाइव भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह के ये बैट तैयार हो गए। ठीक है, सो गाइज, ओवरऑल 1 घंटा हो चुका है, रेगमाल लग चुका है बैटों पर, जो पहले लग रहा था, जो मैंने आपको दिखाया था, रेगमाल लग चुका है, रात भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मेरे पास जो ऑर्डर था उसको भी निकालना ज़रूरी है, वो हो सकता है कि वो सुबह जाए, लेकिन अब रेगमाल लगने के पास अब जो वक्त आ गया बैट की, फाइनल स्टेज होती है बैट की बफिंग लगने का टाइम अब आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बफिंग किस तरह से लगते हैं, जिससे लगने से बैट के ऊपर शाइनिंग आ जाती है और बैट अच्छा हो जाता है, बैट के पंचेस अच्छे हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ टू बफ द बैट। बफिंग बैट की शुरुआत हो चुकी है, इससे बैट की बफिंग होगी अभी, और यहाँ पर बैट के ऊपर धागा लपेटा जा रहा है, ये धागा बफिंग होनी बैट पर बहुत ज़रूरी होती है, बफिंग होकर बैट तैयार हो चुका है। ये देखो बैट की शाइनिंग और बैट की फिनिशिंग, ये फुल ग्रेन्स बैट है, ये एक्चुअल ग्रेन्स वाला बैट हो चुका है, अब बिल्कुल तैयार हमारे पास। अभी ये जितने भी बैट है सब पे बफिंग लगनी बाकी है अभी, और ये यहाँ पे धागा
जो बैट के ऊपर धागा लगाया जाता है वो धागा। सो फाइनली बैट अब हमारी शॉप पे आ चुका है और कल फैक्ट्री में थे हम, तो इसलिए मैं रात ज़्यादा थी वहाँ पे, बैट बनने में वक्त लग गया था, इसलिए अब अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बैट बन के तैयार हुए हुए हैं। इसमें सभी जो ग्रेड हैं उनके बैट हैं, आप किसी भी ग्रेड का बैट ले सकते हो, किसी भी प्राइस में आप मुझसे बैट इंग्लिश फ्लोर ले सकते हो। स्टार्टिंग प्राइस 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, 12,000, 16,000, डिपेंड ऑन योर पॉकेट, आप कितने भी मुझसे किसी भी प्रोफाइल का आप बैट बनवा सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनल बैट। ओके सो ये रहे बैट इंग्लिश विलो का न्यू कलेक्शन है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत पास से। ये रहा इंग्लिश विलो का न्यू कलेक्शन, सभी बैटों के अलग अलग क्वालिटी हैं, ग्रेड अलग अलग हैं और बहुत टॉप क्वालिटी का बिल्कुल फिनिशिंग वाला बैट बन के तैयार हो चुका है हमारे पास में। ये 6 ग्रेन्स का बैट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ग्रेन्स का बैट है। आप देखेंगे सभी बैट्स की क्वालिटी गजब है, खूबसूरत है और इनके पंचेज, इनकी नॉकिंग मैं आपको दिखाऊंगा तो ज़बरदस्त। ये ऊपर का जो ग्रेड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रेन्स वाला ये बैट है। आपको मेरे पास में सभी क्वालिटी के इंग्लिश विलो बैट मिल जाएगा। ये देखिए सभी टोटल इंग्लिश विलो बैट का जो कलेक्शन मेरे पास तैयार हुआ है, ये सब चीज़ें। इसकी जो प्रोफाइल मैं बताता हूँ, 41mm का ब्लेड होता है, 30mm की टो होती है। ये बेस्ट विराट कोहली वाली प्रोफाइल का बैट है। अगर आपको अपनी प्रोफाइल में बैट बनवाना हो तो वो भी बन जाएगा। ओके सर, और आप मुझसे होलसेल के लिए और सिंगल पीस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, 9634811466। अभी मैं इसकी नोकिंग भी आपको दिखाने वाला हूँ, उसके बाद मैं टाटा बाय बाय आपको कहने वाला हूँ, ठीक है। अभी ऑर्डर देने के लिए आप मुझे स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप पे DM कर सकते हो या फिर मुझे सीधा फ़ोन कॉल आप कर सकते हो। ये सभी बैट्स बिल्कुल तैयार हैं और सभी के ऊपर की क्वालिटी वाले ग्रेड हैं। सो मेरे हाथ में ये बॉल और इनमें से मैं कोई सा बैट उठाने वाला हूँ, इनमें से मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसकी नोकी। इसकी पंचेस फुल्ली पंचेस बैट है, फुल्ली नॉक बैट है, रेडी टू प्ले है, कोई सा भी बैट मैं उठा सकता हूँ इसमें से। ये देखेंगे इसमें से ये वाला बैट उठा लूँगा, कोई सा भी बैट मैं आज उठाऊंगा तो आप देखेंगे ये सबसे देखूंगा इस ग्रेड का बैट। इसकी मैं आपको नोकिंग दिखा देता हूँ, इसकी प्रोफाइल मैं दिखा देता हूँ। ये जबरदस्त नोकिंग वाला पंचेस वाला बैट है ये। अब मैं दूसरे बैट की नोकिंग दिखा दूं आपको, साउंड सुनिए सर, साउंड द क्वालिटी ऑफ दिस बैट, रेडी टू प्ले, फुल्ली नॉक। एक और बैट मैं दिखा देता हूं आपको, सभी बैट के पंचेस जबरदस्त होते हैं, नेक्स्ट लेवल के होते हैं, रेडी टू प्ले होते हैं सभी बैट के पंचेस। So boot your now English. Thank you.